हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुदगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए बीएससी सेकंड ईयर में हमारे जो टॉपिक चल रहा था लोकोमोशन, ठीक है। इसमें हमने जो अमीबा के अंदर जो गमन था, लोकोमोशन था, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम सेकंड जो हमारा अगला टॉपिक आता है सीलियरी लोकोमोशन, यानी कि पक्षमावेगी गमन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सीलियरी गमन को हम पढ़ें उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये किसके अंदर पाया जाता है। तो एक संघ होता है जो होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। एक फाइलम है प्रोटोजोआ नाम का, उसका एक वर्ग है यानी कि एक क्लास है जिसका नाम है सीलिएटा। क्या नाम? सीलिएटा। तो सीलिएटा क्लास के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उन सब के अंदर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? सीलिएटा बोला गया है। सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है हमें पढ़ने के लिए वो है सर पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम के अंदर यदि हम गमन को पढ़ लेते हैं तो हमारा क्या टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा? पक्षमावेगी गमन जो है हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा पैरामीशियम के बारे में जान लेते हैं कि पैरामीशियम के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए पैरामीशियम हमने देखा कि संघ प्रोटोजोआ के अंदर आता है, यानी फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर आता है। और ये कैसा जंतु है? ये एक कोशिकीय जीव है, यानी कि यूनिसेलुलर जो एनिमल है कौन? पैरामीशियम। और ये फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? फ्रेश वाटर के अंदर के पाया जाता है। यदि हम इनके गमन की बात करें तो गमन हम जो पढ़ रहे हैं तो किसके द्वारा इनके अंदर गमन होता है? सीलिया के थ्रू इनके अंदर जो है गमन पाया जाता है। अब देखिए हम थोड़ा सा सीलिया के बारे में भी जान लेते हैं जिससे कि हम जो है पता लगा पाएँ कि सीलिया क्या होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ थोड़ी सी आपको डायग्राम बना रहा हूँ किसका? पैरामीशियम का। देखिए मैं रफ डायग्राम यहाँ जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन हमें जो मतलब है सिर्फ सीलिया से मतलब है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी बॉडी पर ये जो पैरामीशियम है इसकी बॉडी पर हम क्या देख रहे हैं? छोटे छोटे जो है सीलिया हम देख पा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे रोम जैसे स्ट्रक्चर है, यानी हेयर्स लाइक जो स्ट्रक्चर है, इन्हें ही क्या बोला जाता है? सीलिया कहा जाता है, ठीक है। यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो ये पर एनिमल यानी कि पर पैरामीशियम 10,000 से 15,000 तक इनका जो नंबर है वो हो सकता है सीलिया का, ठीक है। अब हम यदि एक सीलिया की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, मान के चलिए हमने ये सीलिया को माना कि ये एक सीलिया है। यदि हम इसकी TS लें, क्या लें सर? TS, ट्रांसवर्स सेक्शन यदि हम लेते हैं तो कुछ इस तरह का हमें इसका डायग्राम दिखाई देता है। देखिए यदि हम इसके बाहरी मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये होती है इसकी आउटर शीथ, ठीक है, यानी कि ये जो है इसकी आउटर कवरिंग है। वहीं यदि इनर की बात करें तो ये कौन सी है? आंतरिक झिल्ली कह लीजिए या इनर शीथ कह लीजिए आप, ठीक है। ये क्या है? आंतरिक झिल्ली या इनर शीथ है। यदि हम इसके थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें इसके जो संरचना है वो स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है? 9+2 की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, यानी कि कुछ छोटे छोटे फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। वो किस अवस्था में व्यवस्थित रहते हैं? 9+2 की अवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9, ठीक है। 9 तो हो गई किधर की तरफ? परिधि की तरफ, ठीक है। और जो बीच वाले जो तंतुक हैं या माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो कैसे हैं? सेंटर में पाए जाते हैं, बिल्कुल केंद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो संरचना है कैसी है? 9+2 की संरचना है इनकी, ठीक है। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं कि ये जो है ये कैसे हैं? सेंट्रल फाइबर्स हैं, ठीक है। वहीं ये जो किनारे वाले जो फाइबर्स हैं इनका नाम है पेरिफेरल फाइबर्स, ठीक है। ये कैसे हैं? पेरिफेरल फाइबर्स हैं। और ये किस तरह से अरेंज रहते हैं? 9+2 की व्यवस्था में जो है अरेंज रहते हैं। एक चीज़ और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाली है कि ये जो ऊपर की तरफ इनमें छोटे छोटे और फाइब्रल्स निकले हुए रहते हैं जो कि इनको आपस में जोड़ते हैं या इनकी जो है कपरिंग कहलाती है। वहीं यदि मैं आपको बताऊं कि ये जो बाहर की तरफ पेरिफेरल जो फाइब्रल्स हैं ये दो भागों में डिवाइड रहते हैं, यानी कि दो उपतंतुओं में ये जो डिवाइड रहते हैं, जिसे कि हम क्या कह सकते हैं? ये है सब फाइबर ए और ये है सब फाइबर बी, ठीक है। तो ये टोटल 9 फाइबर्स थे, 9 में से जो एक फाइबर है यानी कि
प्रत्येक फाइबर जो है दो सब फाइबर्स में डिवाइड रहता है, एक सब फाइबर ए है और एक सब फाइबर जी है बी है सॉरी, जबकि जो अंदर वाले जो फाइबर्स हैं यानी कि सेंट्रल वाले जो फाइबर्स हैं वो दोनों कॉमन रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें समझने वाली थी। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये हम एक सीलिया की बात कर रहे हैं, एक सीलिया का यदि हमने ट्रेस लिया तो अंदर से सीलिया कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती है। अब हम सीलियरी लोकोमोशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ देखनी होगी कि सीलियरी लोकोमोशन पढ़ने के लिए सबसे बेहतर जो हमारे पास एग्जांपल आता है वो आता है सर पैरामीशियम का। ये डायग्राम जो है आपका पैरामीशियम का डायग्राम है, ये जो हमें सीलिया दिखाई दे रहे हैं हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें कहते हैं सीलिया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं हैं, जब हम डिटेल में पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे तब उनके बारे में हम बात करेंगे, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ सीलिया के बारे में पढ़ना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पैरामीशियम की जो कंप्लीट बॉडी है यानी कि सीलिया कहाँ है, पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। कंप्लीट बॉडी पर जो है पैरामीशियम की पर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जा रहे हैं या फिर इनकी बॉडी जो है वो सीलिया से ढकी हुई रहती है। यदि हम एक सीलिया की लंबाई की बात करें तो 10 से 12 माइक्रोन लंबे जो हैं सीलिया हो सकते हैं। एक सीलिया कितना लंबा हो सकता है, 10 से 12 माइक्रोन तक लंबा हो सकता है। और यदि हम इनकी कंप्लीट बॉडी पर बात करें तो 10,000 से लेकर 15,000 तक सीलिया इनकी बॉडी पर पाए जा सकते हैं एक पैरामीशियम की बॉडी पर। ठीक है, और देखिए पैरामीशियम के अंदर दो प्रकार से गमन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सीलियरी लोकोमोशन पढ़ रहे हैं यानी कि पक्षमावेकीय गमन पाया जा रहा है। तो मुख्य रूप से गमन किसके द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा। एक दूसरा तरीका भी है पैरामीशियम में गमन का, वो अलग तरीके से गमन होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से गमन है वो किसके द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है। अब हम इसके गमन को देखिए डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी तुलना हम किससे करके चलते हैं, देखिए एक तैराक से करके चलते हैं। मान के चलिए ये कोई तैराक है, ठीक है, ये इसके पैर हैं और ये इसके हाथ हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पानी के अंदर स्विमिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, ये तैर रहा है पानी के अंदर। ठीक है, और इधर पैरामीशियम है, इन दोनों को किस डायरेक्शन में जाना है, इन दोनों को ऊपर वाली डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अब देखिए पहले मैं आपको तैराक की जो डायरेक्शन है यानी ये कैसे तैरता है वो बता देता हूँ, आपको तुरंत जो है पैरामीशियम का आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलिए इसको आगे की तरफ बढ़ना है, तो पहले इसका जो हाथ है ये इस हाथ को क्या पीछे की तरफ लाएगा, स्ट्रेट करके, ऐसे स्ट्रेट करके पीछे की तरफ लाएगा, जिससे कि ये क्या कर रहा है, पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है। जब इसने पानी को पीछे की तरफ धकेला तो ये आगे जाएगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। जब ये पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। अब मान के चलिए इसको इस हाथ को वापस आगे की तरफ ले जाना है, तो यदि ये इसी पोजिशन में इस हाथ को वापस की तरफ वापस लेके जाएगा तो ये इस हाथ को जैसे ही आगे लेके जाएगा तो ये तुरंत बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करेगा, पानी जो है अपना प्रतिरोध दिखाएगा। तो ये अपनी होशियारी दिखाते हुए क्या करेगा, ये यहाँ पर हाथ को थोड़ा सा बेंड कर लेगा। अब देखिए ये हाथ को कैसे बेंड करेगा, ये हाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके और हाथ को इस तरह से मोड़ देगा। ठीक है, हाथ को इसको अपने को इस तरह से मोड़ देगा, और फिर यदि इसको पीछे की तरफ पानी धकेलना है तो दोबारा ये हाथ को सीधा कर देगा। देखिए कुछ इस तरह से, यदि मान के चलिए ये इसका हाथ है, इसको पानी को पीछे की तरफ धकेलना है। अब यदि ये इस हाथ को ऐसे ही डायरेक्शन में लेके जाएगा तो ये बैकवर्ड चला जाएगा, लेकिन इसको क्या करना है, हाथ को थोड़ा सा बेंड करके ऐसे लेना है। ठीक है, फिर ये पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा, फिर ये हाथ को बेंड करके आगे लेके आएगा, फिर ये पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा। ऐसा ही काम क्या करेगा, ये दोनों हाथों से करेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई तैराक की यानी कि कोई स्विमर की जो कि स्विमिंग कर रहा है। हम पैरामीशियम के बारे में यदि बात करते हैं, देखिए तो पैरामीशियम के सारे सीलिया हैं वो पहली बात तो ये एक साथ गमन नहीं करते, यानी कि एक साथ जो है गति या गमन हम कहते हैं नहीं करते। तो फिर क्या करता है, तो हम कहते हैं बंच ऑफ सीलिया, यानी कि कुछ 5 से 10 सीलिया को समूह, मान के चलिए ये 5 से 10 सीलिया इकट्ठे हो गए एक साथ, ये करेंगे क्या करेंगे, दो तरीके से देखिए इनके अंदर स्ट्रोक चलते हैं, दो तरीके से जो है स्ट्रोक होते हैं इनके। वो दो तरीके कौन से हैं, एक होता है आपका इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है, और दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। देखिए पहला होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। मैं यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रोक को बात करता हूँ। देखिए मान के चलिए ये सीलिया की आउटर सरफेस है, सॉरी ये पैरामीशियम की आउटर सरफेस है, यहाँ पर सीलिया लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बंच ऑफ सीलिया है यानी सीलियाओं का एक समूह है। अब इस सीलिया के समूह बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल है यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है ये, ठीक है, टाइट है थोड़े से। तो ये पानी को किधर की तरफ धकेलेंगे, ये पानी को पीछे की तरफ धकेलेंगे। जब ये पानी को पीछे की तरफ धकेलेंगे तो सीलिया कहाँ जाएगा, सीलिया आगे की तरफ गमन करेगा। ठीक है, कॉमन सेंस ही बात है। मान के चलिए ये तैराक का राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड से ये हाथ को सीधा करके पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है,
अब इसको रिकवरी स्ट्रोक में आना है, यानी रिकवरी स्ट्रोक में ये कैसे जाएगा, देखिए ये पैरामीशियम की जो है आउटर सरफेस है। अब यहाँ पर ये इनको थोड़ा सा मोड़ के लाएगा, मान के चलिए ये सीरिया पीछे की तरफ चला गया है। अब ये इनको मोड़ेगा कैसे, देखिए ऐसे, ठीक है, तो थोड़े से क्या हो जाएंगे, ये ढीले हो जाएंगे सीरिया, ठीक है, तो ये सीरिया क्या हो जाएंगे, थोड़े से ढीले हो जाएंगे। अब सीरिया कहाँ गति करेंगे, आगे की तरफ, ठीक है, और ये स्ट्रोक कैसा है इसका, रिकवरी स्ट्रोक है, यानी कि इसकी जो हैंड की पोजीशन है वो अब ऐसे हो चुकी है। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये यहाँ से ये जो पोजीशन है वो ये कुछ इस तरह की पोजीशन है, ठीक है, हैंड की पोजीशन यानी इनके सीलिया की पोजीशन कुछ इस तरह की है। इसने पानी को पीछे की तरफ धकेल दिया, ठीक है, जब इसने पानी को पीछे की तरफ धकेल दिया, अब इसको रिकवरी लेनी है, तो ये थोड़ा सा ढीला पड़ के हाथ को आगे की तरफ, यानी कि अपने सीलिया को आगे की तरफ लेके जाएगा, तो वो कौन सा स्ट्रोक होगा इसका, रिकवरी स्ट्रोक होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनकी गमन, यानी कि पैरामीशियम जो है वो गमन करते रहता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब बंच ऑफ सीलिया, यानी कि सीलियम को समूह जब गमन कराता है पैरामीशियम के लिए, तो इनकी जो गति है वो पैरामीशियम कभी भी स्ट्रेट गति नहीं करता है, यानी कि वो सीधी गति नहीं करता है। अगर वो सीधी गति नहीं करता है तो किस तरह से गति करता है, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये मान के चलिए कोई एक्सेस है। अब देखिए पैरामीशियम यानी कि गति करना स्टार्ट करेगा, तो पहले पैरामीशियम इधर की तरफ आएगा, ठीक है, फिर पैरामीशियम यहाँ से गति करता हुआ इधर घूमेगा, फिर पैरामीशियम गति करता हुआ फिर इधर जाएगा, ठीक है, और फिर पैरामीशियम गति करता हुआ इधर आएगा। यानी कि ये गति कर रहा है तो ये स्ट्रेट गति ना करके ये कैसा कर रहा है, सर्पिलाकार गति करता है हमेशा, ठीक है, गति कैसा करता है, स्पाइरल जो है गति करता है, कभी भी ये स्ट्रेट गति नहीं करता है। ये क्यों करता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रोक यहाँ पर जो चलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक या फिर हम कहें रिकवरी स्ट्रोक, ये दोनों एक तरह से वेव बना देते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये एक बंच ऑफ सीलिया है, यानी सीलियाओं का समूह है, जब ये इसको आगे की तरफ धकेलेगा, यानी कि ये जो स्ट्रोक है पीछे की तरफ आएंगे, जब तक ये वाले जो सीलिया हैं ये आगे की तरफ जा चुके होंगे, फिर ये वाले जो सीलिया हैं ये पीछे की तरफ आएंगे, फिर ये सीलिया पीछे की तरफ आएंगे, तो एक तरह से हम कह सकते हैं वेव लाइक जो है इनकी शेप बन जाती है सीलियाओं की। और जब सीलिया वेव लाइक शेप में गति कर रहे हैं तो पैरामीशियम भी कैसे गति करेगा, बिल्कुल लहरदार यानी कि सर्पिलाकार आकार में जो है रास्ते में वो गति करेगा, कभी भी पैरामीशियम जो है वो स्ट्रेट गति नहीं करता है। देखिए एक और प्रकार का जो गमन है, ये तो किसका, किसके द्वारा गमन है, सीलियरी लोकोमोशन है, किसके, पैरामीशियम के द्वारा। अब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि पैरामीशियम जो है एक दूसरे तरीके से भी गति करता है, और उस तरीके को बोला जाता है मेटाबॉलिक, क्या बोला जाता है, मेटाबॉली, यानी कि पैरामीशियम किसके थ्रू गति करता है, मेटाबॉली, और मेटाबॉली का जो हिंदी में रूप है वो है शारीरिक संकुचन, ठीक है, यानी कि बॉडी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए इसको हम समझते हैं, मान के चलिए ये मैं पैरामीशियम यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, ये पैरामीशियम है, और रास्ता जो है दो चट्टानों के बीच में से बहुत ही सकड़ा रास्ता है, ठीक है, और पैरामीशियम को इतना छोटा पैरामीशियम है, इसको इस रास्ते में होके गमन करना है, यानी कि इसको इसमें होके निकलना है। तो अब ये क्या करेगा, शारीरिक संकुचन नाम से हम समझ रहे हैं, यानी कि ये बॉडी को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और बॉडी को संकुचित करके ये इसमें से पार निकल जाएगा, और जैसे ही बॉडी संकुचित होने के बाद इसमें से पार निकल जाएगा, दोबारा ये पहले जैसा रूप जो है अपना ले लेगा, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, मेटाबॉली या फिर शारीरिक संकुचन बोला जाता है। अब हम बात करें कि ये किसके थ्रू होती है, तो ये पैरामीशियम में उसका जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है, जो उसका साइटोप्लाज्म है, उसके द्वारा ये जो गमन वो करता है, पैरामीशियम करता है। अब देखिए क्यों इस गमन की जो है ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सीलिया काम नहीं आएंगे, लेकिन इसको इस रास्ते से निकलना है। अब यहाँ पर सीलिया जो है वो काम नहीं आएंगे, तो ये दूसरे तरीके से भी गमन कर सकता है। तो इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा, पैरामीशियम के अंदर जो है लोकोमोशन हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें, जय हिंद।